पहली बार जिदाई ले तो कैसे रख देता है अफसर एलखुन देखे आल है अभी चल रहे एलखिन तभी चल रहे है मशीन। ये है बलिया थाना अंतर्गत फतेहपुर पंचायत का वार्ड नंबर 8 जहां पर आज आए हैं DCLR महोदय और साथ में है प्रखंड विकास पदाधिकारी बलिया और निरीक्षण के दौरान मौजूद हैं ग्राम प्रधान रमाकांत यादव। सरकारी निर्देशानुसार अब अधिकारी 3 दिन ऑफिस और 3 दिन क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे जिसके दौरान ये नल जल और गली गली पक्कीकरण योजना का निरीक्षण करने आए हैं और इस दौरान वार्तालाप में गुणवत्ता के आधार पर जो शिकायत है उसमें DCLR महोदय ने क्या कहा सुने। इस योजना में सर लोग बहुत असंतुष्ट दिख रहे हैं जो इस योजना का आप कि क्या ये हर जगह है कि सिर्फ यहीं औचक निरीक्षण हुआ है। संतुष्ट होने का कारण क्या प्रकार बताइएगा तभी प्रचार से जो उपयोग है जैसे प्लास्टिक पाइप का सर्विस पाइप में जैसे घरेलू क्षेत्र में गुजर रहे आपके पाइप सर्विस पाइप उनमें लगभग खेती का इलाका होता है वो और उसमें कलपुर्जे की मदद से वो पाइप टूट जाते हैं या और भी जहां पड़ा हुआ है रोड की रिपेयरिंग नहीं हुई जो रोड जितने भी हुए टूटे रोड उसका निरीक्षण रिपेयरिंग नहीं हो पाया पाइप ही है वही हाँ। इसके लिए वहाँ से और उसकी मैंने जमीन के नीचे कितना फीट देना था वो बेस्ट है 3 फीट के तहत ही दिया जाना था तो उतना नीचे तो नुकसान पहुँचाने का सवाल नहीं है अगर होगा तो देख लीजिए। 3 फीट नीचे सर पाइप हर जगह 3 फीट नीचे डालना है पाइप लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है इसलिए भी इशू सर PhD को लेकर अभी हमने ये सवाल पूछे थे PhD को लेकर PhD का जैसे तो ग्राम पंचायत ने बहुत देर बहुत दिनों से योजना योजनाओं में किसी प्रकार का इशू आ रहा है तो जहाँ पे जो जिस प्रकार का बताएंगे तो उसका निदान के लिए जो रोड टूटे हुए रोड सब रिपेयरिंग सब हो जाएगा लगभग हर जगह सरकार की निर्देशानुसार हर जगह चेकिंग होगा। ये बात नहीं कीजिए कोई पर्टिकुलर जगह का बात कीजिए जहाँ का निदान लगभग सर जैसे आप पाइप वहाँ पीछे देख रहे हैं वो पाइप जो पड़ा हुआ है वो उस पाइप से कैसे पानी पास हुआ आप वहाँ पर देख रहे हैं जो वहाँ पाइप जो है ना पाइप ऐसे खुला पड़ा हुआ है ब्लू कलर की पाइप देख रहे हैं आप केले के पेड़ को साइड में जी जी वो सर्विस वो आपका सर्विस पाइप है जो लोगों के घर तक जाना है वो कैसे जा पाएगा उसमें नल सर काम चल रहा है आप इस काम में है क्या नहीं नहीं जानकारी बढ़िया पदाधिकारी को देंगे और जिस पदाधिकारी होगा उसका निदान अधिकारियों के द्वारा खुद नल चलाकर संतुष्ट धोते हुए देखा जा सकता है किंतु जनता इस मद से खुश नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि जब अधिकारी महोदय आए हैं तभी इस नल में पानी आया है अन्यथा इस जनमिलार को खड़े हुए लगभग 1 साल हो गए और अब तक लाभुकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखें जनता इस बात में क्या करती है और कितने सवाल करती है। तो साहब निरीक्षण में लेकिन थोड़ा पानी खातिर की कहो नहीं चलते चलबे नहीं करते ही। अपन मोटर रे फलार सब लोग लगेने छे जरूरत नहीं छे ना ये नहीं है लगल छे की खाली हम बोल रहे देखो नहीं मेरा ये था चल नहीं रहा खराब का नहीं था मेरा बयान मैं हम तो पीछे गए नहीं रहने का मतलब क्या होता है खराब और ये भी बोले थे अनरक्षित नहीं हुआ तो यार तो देख रेख वाला नहीं है नहीं तो अवेलेबल खराब नहीं था हम ये आपके आने के बाद भी हम पानी के निरीक्षण देखा ले खून पानी मिला लगल की आखिर ऐसे नहीं चले छे ऐसे खाली काम नहीं चले वाला छ पैसा नहीं कैसे रख देता है अफसर एलखुन देखे आल अभी चल रहे एलखिन तभी चल रहे है निरीक्षण भी